दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज होने वाला मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी अहम होगा। वहीं बेंगलोर भी इस मैच में जीत की राह पर वापसी की कोशिश करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने मात दी थी। इस मैच में बेंगलोर की बल्लेबाजी तो चल गई, लेकिन एबी डिविलियर्स को नीचे भेजने के फैसले की काफी आलोचना हुई। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद इस फैसले का बचाव किया। राजस्थान के खिलाफ डिविलियर्स से पहले वॉशिंगटन सुंदर या शिवम दुबे दोबारा भेजे जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, इसलिए एक बार फिर डिविलियर्स को चौथे नंबर पर देखा जा सकता है। बेंगलोर की बल्लेबाजी फॉर्म में है। पिछले मैच में टीम अच्छे स्कोर की ओर जाती नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी क्रिस मॉरिस ने अपनी उपयोगिता साबित की और बताया कि वे बल्ले से भी कितना अहम रोल निभा सकते हैं। उन्होंने 8 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए। राजस्थान की टीम अभी तक सही संतुलन नहीं बना पाई है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में वो जीतती दिख रही थी, लेकिन अपनी गलतियों से हार बैठी। स्टोक्स के साथ पारी की शुरुआत कराना भी राजस्थान के लिए काम नहीं आ रहा है। स्टोक्स ने दिल्ली के खिलाफ 41 रन जरूर बनाए थे, लेकिन टीम को जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचा सके थे। टीम प्रबंधन स्टोक्स को सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही आजमाएगा या इसमें बदलाव करेगा, यह मैच में देखने वाली बात होगी। जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन का बल्ला भी चलना राजस्थान के लिए बेहद जरूरी है। रॉबिन उथप्पा टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए। राहुल तेवतिया कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये वो दो मैचों में बता भी चुके हैं। इसलिए बेंगलोर को आखिरी तक राजस्थान को हल्के में नहीं लेना होगा। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर के अलावा कोई और गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका है। हाँ, युवा कार्तिक त्यागी ने मैच को प्रभावित जरूर किया है, और इस मैच में विश्व के दो दिग्गज बल्लेबाजों के सामने वो कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने लायक होगा। लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और आईपीएल की पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। Hey!